अरे गाइस, क्या हाल है, क्या शिफ्ट है। तो भाई आज है सातवां दिन डेली व्लॉगिंग का हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ता पूरा हो गया और अभी सिस्टम यह है कि आज अली भाई नहीं है, वो गए हैं, रात ही चले गए थे टंडोल यार। तो मैंने और बिलाल भाई ने जाना है मोहम्मद यूसुफ को स्कूल छोड़ने। तो अब चलते हैं मोहम्मद यूसुफ को स्कूल छोड़ने, वो रेडी हो गया, बस उसको छोड़ने चलते हैं और फिर देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। फिलहाल ये सिस्टम है, रात पूरी सोए नहीं है हम, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं सो गया तो मैं लंबा सो जाऊंगा और मोहम्मद यूसुफ का स्कूल मिस हो जाएगा। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड फॉर द स्कूल, क्योंकि बड़ी छुट्टियों के बाद उसका स्कूल खुला है बारिशों की छुट्टियों के बाद। तो बस को छोड़ना है फिलहाल ये सिस्टम। अच्छा, तो भाई सिस्टम कुछ ऐसा है कि सुबह सवेरे मैं और बिलाल भाई मोहम्मद यूसुफ को ड्रॉप करने जा रहे हैं। मामाज ऑन ड्यूटी सीन है। जब हम स्कूल जाते थे तो हमें तो अपने मामू नहीं छोड़ने जाते थे, उनके ड्राइवर अलबत्त छोड़ने जाते थे कभी कभी, लेकिन हम खुद ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, अच्छे मामू होने की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ बैठे हैं पीछे और हम निकल चुके हैं घर से मोहम्मद यूसुफ को स्कूल ड्रॉप करने। जदो भाई सिस्टम ये है कि मैं कभी इतना एक्साइटेड नहीं होता था स्कूल जाने के लिए, न माँ बिलाल होते थे। ये मोहम्मद यूसुफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, पता नहीं क्यों, ये हमारी समझ से दूर है। माविला, आप स्कूल कैसे जाते थे, आपका क्या वो तासुरात होते थे? मैं तो बहाना करके छुट्टी मार देता था, हर दूसरे दिन आपको बुखार हो जाता था। मैं तो नींद से ही नहीं उठता था, मुझे घर वाले घसीट के गाड़ी में बिठाते थे और फिर हमारे एक होते ड्राइवर चाचा नूरमोद, वो पकड़ के हाथ से मुझे छोड़ के आते थे कि मैं कहीं पीछे के रास्ते में निकल ना हूँ। पर मोहम्मद यूसुफ तो बहुत खुशी से स्कूल जा रहे हैं, बस अल्लाह खैर करे। मैं स्कूल इसलिए सुपर एक्साइटेड, चलो अल्लाह खैर करेगा। तो भाई सिस्टम कुछ ऐसा है कि मोहम्मद यूसुफ की क्लास स्टार्ट होने में अभी है तकरीबन 20 मिनट। अम्मी ने ऑर्डर्स दिए थे कि इसको एंड टाइम पे छोड़ना, उससे पहले ना छोड़ना ताकि बच्चे आ जाए स्कूल में। तो अब हम बैठे हैं गाड़ी में, मोहम्मद यूसुफ से थोड़ी करते हैं मश्करी। उसका दांत भी आज मैंने निकालना है, हिल रहा है यूँ, तो उसको रस्सी बांध के यूँ खींचना है तो निकल जाए, आज ये सिस्टम भी करना है। अच्छा, तो भाई अब हो गए हैं 8:02 और अब हम जा रहे हैं मोहम्मद यूसुफ को उसके स्कूल पे छोड़ने, क्योंकि अब 8:15 इनकी असेंबली हो जाएगी, तो उससे पहले इसको पहुँचाएँ। काफ़ी रश नज़र आ रही है कि बच्चे आना शुरू हो गए हैं, तो उसको भी अब छोड़ ही देते हैं। भाई आ गया मोहम्मद यूसुफ का स्कूल, जाओ मोहम्मद यूसुफ। हमने मोहम्मद यूसुफ को छोड़ दिया है और अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं। बहुत नींद आ रही है क्योंकि मोहम्मद यूसुफ को छोड़ना था, उस वजह से हम सो ही नहीं थे। तो हमने बोला था अगर सो गए तो मोहम्मद यूसुफ का स्कूल मिस हो जाएगा, तो उस वजह से हम सो ही नहीं थे। अब हम जाके सोएंगे और बिलाल भाई यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी है ये सिस्टम है बिलाल। अच्छा, तो भाई ये सिस्टम थोड़ा एरर का चल रहा है यहाँ अभी तक। ये हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी जो जहाँ से हम ग्रेजुएट हो चुके हैं बैचलर्स करके, वहाँ उसी तरफ पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, फुल डूबा हुआ है फुल, और बहुत बदबू भी है, अल्लाह खैर करे। तो भाई अब सिस्टम ये है कि आप जब तक नींद आए, क्योंकि नींद आना भी बहुत मुश्किल चीज़ होती है, वो फंस जाती है उस पर कराकोरम हाईवे पे, तो नींद जब तक पहुँचे हमारे पास तब तक हम कर रहे हैं थोड़ी रीडिंग। नई किताब कल उठाई थी तो इसको भी घुमाएंगे इंशाल्लाह, एक हफ्ते से पहले ही पहले, तो इसको पढ़ेंगे तभी घुमाएंगे ना, वरना नहीं घूमेगी। तो फिलहाल पढ़ते हैं और जब नींद आएगी तो सो जाएंगे, फिर देखते हैं कब उठते हैं। फिलहाल ये सिस्टम है, अभी तक हम सोए ही नहीं हैं और ये साहब भी बस जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, गाली वकील हमारे। अच्छा, तो भाई सिस्टम कुछ ऐसा है कि मैं अभी बैठा ही था, रीडिंग वगैरह कर रहा था, फिर थोड़ा शो मैंने देखा तो अब्बू आ गए, अब्बू ने कहा कि जाके नाश्ता लेके आओ, तो अब हम निकले हैं नाश्ता लेने, नाश्ता लें और फिर आते हैं घर, छोला पराठा का नाश्ता लेके घर आते हैं, फिर नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। अच्छा, तो भाई सिस्टम यह है कि नाश्ता मैं लेके आ गया हूँ, ये पड़ा है नाश्ता और चाय घर पे बन गई है, बस चल के करते हैं नाश्ता और फिर देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। 1 hour later भाई सिस्टम ये है कि हमारी आज मेड नहीं आई सफाई वाली, तो अब
हम ड्यूटी पे हैं फिलहाल, ये सिस्टम है, ये ड्यूटी कर लें, फिर देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। नाश्ता हमने कर लिया था, छोला पराठा लाए थे और बॉयल एग भी हमने खाया और चाय भी पी, तो अब थोड़ा हैवी फील हो रहा है, तो अब इसको थोड़ा झाड़ू लगाएं तो थोड़ा हल्के फील हो, ये सिस्टम करते हैं फिलहाल। अच्छा, तो भाई सिस्टम कुछ ऐसा है कि झाड़ू वगैरह हो गया, घर का काम वगैरह हो गया, अब ये है कि बिलाल भाई भी आ गए हैं और मोहम्मद यूसुफ के स्कूल की छुट्टी का टाइम भी होने वाला है, तो बस अब ये करते हैं कि बिलाल भाई की मोटर बाइक पे ही चलते हैं, मोहम्मद यूसुफ को लेके आते हैं, क्योंकि गाड़ी में अगर गए तो बहुत रश में गंदी तरह फंस जाएंगे और देर हो जाएगी, तो बाइक पे चलते हैं बिलाल भाई के साथ और यूसुफ साहब को लेके आते हैं, ये सिस्टम। अच्छा, तो अभी बिलाल भाई ये रेडी खड़े हैं, हम बैठते हैं और फिर निकलते हैं मोहम्मद यूसुफ को लेने, ये सिस्टम। सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमने मोहम्मद यूसुफ को पिक कर लिया, हम उसको स्कूल पे टाइम से पहुंच गए थे, उसको पिक कर लिया, अब चलते हैं घर। अच्छा, तो भाई सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम मोहम्मद यूसुफ को लेके आ गए थे घर, उसके बाद हमने किया लंच और अब हम कर रहे हैं थोड़ा आराम, मिलते हैं आपको आराम करने के बाद। One eternity later. अच्छा, तो भाई सीन यह है कि अभी असर नमाज़ पढ़ के जैसे ही हम आए हैं तो पता चला है मेहमान आ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मेहमानों की लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी, तो सफाई तो सुबह मैंने कर दी थी, ड्राइंग रूम में सेट कर दिया था, सामान वगैरह लेने अली भाई और बिलाल भाई जा चुके हैं, बाकी कुछ घर पे कुछ चीज़ें बनी हैं तो चल के देखते हैं किचन में क्या बना है, क्योंकि सवेर से किचन से शोर आ रहा है कि कुछ बन रहा है, तो अभी चल के देखते हैं किचन में बना क्या, और फिर जब मेहमान होके जाते हैं तो फिर देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। और वहाँ हो रहा है सनसेट, और दरख्त और बिल्डिंग की वजह से कैमरा सही से कैप्चर नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है तो मेरी आँखें देख रही हैं तो आप भी समझ जाएँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है, ये सिस्टम है। तो भाई घर पर बना है पास्ता और ये हो रहा है चिकन बॉयल, मतलब सैंडविचेस बनेंगे, मेहमानों की आमद है, बस ये सिस्टम है कि पिज़्ज़ा आया है, समोसे आए हैं और ये केक वगैरह है, फिलहाल ये सिस्टम। ये मोहम्मद यूसुफ का दांत चल रहा है, इसको मैंने निकालना है, लेकिन ये अब बोल रहे हैं नहीं निकालो, तो अब राज़ी नहीं है, तो अब क्या करें। अब सिस्टम ये है कि मेहमान चले गए और अब है देसी घराने वाला टूट पड़ो टाइम, तो चलते हैं हमला करने। ये केक पड़ा है, पिज़्ज़ा पड़ा है, सैंडविच पड़े हैं, बिस्किट पड़े हैं, ये दूसरे सैंडविच पड़े हैं, पास्ता बाहर पड़े, अब इसको टूट तोड़ने की देर है, मतलब फोड़ने की देर है। अरे तो भाई मेहमान वगैरह चले गए थे, फिर हमने रिफ्रेशमेंट वगैरह फोड़ ली थी, फिर खाना वगैरह खाया और अब दिन का करते हैं इंतजाम। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, अगर पसंद ना भी आए तो पसंद करने की कोशिश करें और सब्सक्राइब करते रहे, बंदे रहे जुड़े, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।